गाइस फाइनली हम लोग अपना फ्री फायर गेम के अंदर सामुराई वाला जो बंडल है ना उसका इनक्यूबेटर आप सभी को रिटर्न पे आपको देने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसी इनक्यूबेटर का वन स्पिन ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। देखते गाइस वन स्पिन ट्रिक भी निकल जाता है यानी, एंड ये वाला जो ट्रिक है ना हर एक आईडी पे वर्क हो भी सकता है, होने का चांस 90% है। तो हर एक बंदों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले गाइस आप लोग वीडियो को शुरू से इनटेक फुल वॉच कर लो, ट्रिक को समझ लो, उसके बाद गाइस यूज कर लेना। वरना गाइस अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखोगे ना तो गाइस आपको ये वाला ट्रिक के बारे में समझ में नहीं आएगा, उसके बाद गाइस हो सकता है आपका ज़्यादा डायमंड भी लग सकता है, ठीक है ना। तो गाइस जो ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो पे बैठना, बट उससे पहले गाइस चैनल पर आना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके। आज की इस वीडियो के अंदर जो लाइकें भी मैं रखता हूँ पूरे पूरे 500 लाइक, ठीक है। अगर 500 लाइक कंप्लीट हो जाता है ना तो मैं बहुत जल्दी गिव अवे भी कर दूंगा, तो प्लीज सपोर्ट करना अपने भाई को। एंड बाकी गाइस कमेंट सेक्शन में अच्छा से पहले से कमेंट लिखना मत भूलना, ठीक है ना। तो गाइस मैं आपको फटाफट से वन स्पिन ट्रिक दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको एक ऐसा कैरेक्टर को लेना पड़ेगा जो कैरेक्टर को आप बहुत कम यूज करते हो, ठीक है। तो यार मैं आपके साथ नुल्ला को ले लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद गाइस आपको जो पेट है ना, पेट को आपको अनइक्विप करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेट को गाइस मैं आपके सामने अनइक्विप कर लिया। उसके बाद गाइस मैं हाथ पे जो वेपन को पकड़ के रखा हूँ ना उसको भी मेरे को हटाना पड़ेगा, तो उसको भी मैंने हटा दिया। एंड हटाने के बाद गाइस आपको सिंपल से जो करना पड़ेगा आपको क्लियर कैच करना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्लियर कैच करने के बाद गाइस आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपको अभी गोल्ड रोड पे एक स्पिन मार लेना पड़ेगा फटाफट से, ठीक है। तो गोल्ड रोड पे गाइस मैंने एक स्पिन मार दिया। उसके बाद गाइस आपको इनक्यूबेटर पे सबसे पहले गाइस आपको 40 का स्पिन करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्पिन पहले करके देखो क्या आता है, ठीक है। तो मैंने एक स्पिन कर दिया, देखते क्या निकल के आता है। तो शायद से नहीं निकलेगा, तो गाइस शायद से नहीं निकला आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको फिर से बैक आना होगा। उसके बाद गाइस आपको पलवाना कैरेक्टर को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पलवाना कैरेक्टर को फटाफट से ले लेना। उसके बाद गाइस आपको फिर से इधर आना पड़ेगा। एंड उसके बाद गाइस आपको 5 स्पिन मारना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 स्पिन फटाफट से मार लेते हैं। एंड 5 स्पिन को मारने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड देखते गाइस मेरे को क्या निकलता है। तो देखते निकल जाता है, नहीं निकल जा, निकल जा, निकल जा। अरे यार पूरा मेरा 5 स्पिन चला गया, ठीक है। तो पलवाना कैरेक्टर अभी कुछ नहीं हो रहा, तो आपको फिर से गाइस नुल्ला को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर कोई अलग कैरेक्टर को लेते जो आप लोग बहुत कम यूज़ करते हो, फिर से और एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो फिर से 5 स्पिन करते एंड उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊँगा आपको एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हमने फिर से स्टार्ट कर दिया, तो देखते क्या होता है, तो देखते देखते क्या होता है। तो गाइस देख ही सकते हो यार, मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है ना। तो और एक बार लास्ट बार ट्राई करेंगे, देखते निकलता है या नहीं, ठीक है। फिर से और एक बार ट्राई कर लेते हैं एंड देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, इधर काम हो रहा है। एंड सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि यार मतलब आप कोई भी ट्रिक को यूज़ करो, कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी घने फ्री फायर तो बैन हुआ ना, तो अभी घने फ्री फायर जितना हो सके पैसा को मतलब छापने का ट्राई कर रहा है। देख रहे कितना स्कैम इवेंट है, मतलब मैं कितने बार स्पिन किया नहीं निकल रहा, ठीक है ना। देख ही सकते हो बहुत ही बड़े खतरनाक सीन हो रहा है और कुछ नहीं है। तो आप लोग गाइस कम से कम डायमंड को वेस्ट करना, मतलब ट्राई करना कि यार कम से कम डायमंड में कुछ हो जाए, नहीं तो देखो यार कितना खतरनाक स्कैम इवेंट है, ठीक है। मैं आपके सामने इतना डायमंड वेस्ट कर दिया, अभी तक एक स्टोन भी नहीं निकला, इवोल्यूशन स्टोन भी नहीं निकला, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा ही स्कैम इवेंट है। तो यार ध्यान से आप लोग डायमंड वेस्ट करो, देख सकते हो यार मैं आपके सामने कितना स्पिन किया। देखो गाइस इतने स्पिन करने के बाद मेरे को एक ब्लू प्रिंट मिला, देख रहे हो, इतने स्पिन करने के बाद मेरे को ओनली एक ब्लू प्रिंट मिला। आप लोग समझ सकते हो कितना खतरनाक स्कैम इवेंट है, ठीक है ना। मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब 1000 डायमंड मेरा चला गया, उसके बाद ही मेरे को एक ब्लू प्रिंट मिला। तो आप लोग ध्यान से मतलब इस ट्रिक को यूज़ करना, मतलब जो ट्रिक बताया, अगर ट्रिक काम में आ जाता तो बहुत बढ़िया, वरना गाइस यार आप लोग बेकार में यार ज़्यादा डायमंड वेस्ट मत करो। पहले गाइस आप लोग एक स्पिन मारना, उसके बाद 5 स्पिन मारना, अगर निकल जाता तो बहुत ही बढ़िया, वरना तो गाइस आप लोग यार डायमंड वेस्ट मत करना, ठीक है। मैं आपको आपके सामने डायमंड वेस्ट करके दिखाया। एंड हालांकि ये वाला बंडल भी बहुत ही सही है, इसको हम फटाफट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैंने क्लेम कर लिया एंड देख सकते हो बहुत ही बड़े बंडल है, देख सकते हो मैंने क्लेम कर लिया, ठीक है। तो वन स्पिन ट्रिक जो बात है उसको यूज़ करना। देखो मैं बहुत ज़्यादा डायमंड टॉप अप करता हूँ इसलिए ऐसा सीन हो सके आपको कम से कम डायमंड में मिल जाए, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बंडल है, मैं आपको बंडल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार एक मिनट गाइस फटाफट से मैं अपना इसको ले लेता हूँ, उसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ बंडल को, ठीक है। बंडल बहुत ही बढ़िया है, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगा, तो मैंने बंडल को फटाफट से पहन लिया। तो ये है बंडल, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़े बंडल है। बाकी एक गन को मैं इक्विप कर लेता हूँ, देख सकते हो बहुत ही बड़े बंडल है, ठीक है।
तो गाइज देखो जो जो बोला वो कर लेना, गिव अवे भी है ठीक है, एंड 5K लाइक एम भी कंप्लीट करवा देना, 5K नहीं सॉरी 500 लाइक एम मंगाए तो प्लीज़ कंप्लीट करवा देना। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।